कैसे हो? अगर देखो मम्मा तो क्या कर रहा है, यहाँ पे चिप्स का पैकेट भी रखा है मेरे लिए लेकर आया। वो मम्मा बे साफ कर रहा है। और ये देखो मैं तो अभी अभी सो के उठूंगा। गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपली शारो। तो आज पहली बार आरुष ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि उसका वॉइस मैं पहले ही डालूँ, तो इसके लिए स्टार्टिंग वाला वॉइस मेरे बेटे का है। तो उसका वॉइस अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और कमेंट से मुझे बताइए कि आरुष का वॉइस आप लोगों को कैसा लगा। इंट्रोडक्शन, आरुष का इंट्रोडक्शन आप लोगों को कैसा लगा? तो कल रात को हम लोग लेट से आए थे, आप लोगों को पता होगा। कल रात को मैं कोलकाता से ट्रेन जर्नी करके छत्तीसगढ़, मेरा फैमिली क्वार्टर जो फौजी क्वार्टर है, फौजी क्वार्टर में आई हूँ। और रात को आने के बाद साफ़ सफाई क्लीनिंग करने के बाद सोते सोते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, इसी वजह से थोड़ा रेस्टलेस लग रहा था। तो सुबह मैं लेट से उठी हूँ, 9 बजे उठी हूँ, और 5 मिनट में जाके मैं जब फ्रेश हो गई, आरिश भी उठा है। और आरिश को देख के लग रहा था वो जर्नी का जो होता है ना, मतलब प्रेशर होता है, वो भी उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। उसको भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको अकेला ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं आ गई किचन में, किचन का हालत देख लीजिए आप लोग कितना ख़राब है। रात को जितना बर्तन हो सके उतना बर्तन, पहले से तो बर्तन धुला हुआ था, लेकिन जैसे मैं 1 महीने तक नहीं थी कैंप में, तो फिर से बर्तन को वॉश करके फिर यूज़ करना है। तो सुबह मैंने मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया मेरा 1 ग्लास गर्म पानी से। उसके बाद मैंने अंजीर खाया और आरुष को भी मैंने अंजीर दे दिया। हम लोग सुबह अंजीर और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उसके बाद ही हम लोगों का मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग प्री ब्रेकफास्ट रहता ही है। तो अभी प्री ब्रेकफास्ट का तो टाइम नहीं है, लेकिन क्या करें, अभी तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भूख भी लग गया था काफ़ी, लेकिन उतने में मेरे हस्बैंड आके बोल दिया, आपको केक का क्या क्या सामान चाहिए, मार्केट से क्या क्या लाना है, आप जल्दी से बोल दीजिए, बाद में लेट हो जाएगा तो मैं सामान नहीं ला पाऊँगा, बाहर नहीं जा पाऊँगा। तो हम लोग संडे को कैंप में पहुँचे हैं और ये मंडे नेक्स्ट डे हम लोग, मतलब मैं केक का कितना भी सामान चाहिए वो मैं पैक करके मेरे हस्बैंड को मैंने दे दिया, क्योंकि ऑर्डर्स भी आ गया था, वो भी प्रिपरेशन करना है। और उसके बाद मैं घर से क्या क्या मिठाई लाई हूँ, ये जो मिठाई है हमारे कोलकाता साइड का फेमस एंड पॉपुलर है, तो मैं ये मेरे बिल्डिंग वाले को बांटने के लिए मैं ये लेके आई थी। और रस और इसको, मतलब इसके अंदर रस रहता है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए बहुत ज़्यादा पैकेट और रैपर की ज़रूरत पड़ा। और जो फर्स्ट मैं जिनको बांटूंगी वो है मेरी प्यारी दोस्त प्रियंका। प्रियंका के लिए मैं ये मिठाई निकाल रही हूँ। और घर से क्या क्या सामान लाई थी वो सारा सामान एक कटोरी में डाल के मैं प्रियंका को देने जाने वाली हूँ। और सुबह का ब्रेकफास्ट का तो आज मुझे उतना झंझट नहीं है, क्योंकि कल रात को भी मेरे दोस्त ने, प्रियंका ने मुझे डिनर बना के दिया था, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और उसमें से काफ़ी सारा खाना बचा भी हुआ था, क्योंकि वो बहुत सारा दे दी थी। लेकिन सुबह में 9 बजे जब मैं उठी तो उसने तुरंत बोल दिया प्रियंका ने कि मैंने दाल चावल सब्जी बना लिया, तो यही खाना पहुँचा भी गई है। वो आरिश को मैंने मैंगो काट के दे दिया, उसका छिलका अभी तक नहीं फेंका, आप लोगों ने वीडियो में नोटिस किया होगा। और मैं अभी खाना का, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाऊंगी। तो कल पनीर की सब्जी भी बचा हुआ था, तो वो मैं थोड़ा सा गर्म करके बैठ गई खाने के लिए। आरुष खीर पूरी खा लिया था। और खाने के बाद मैं रूम का साफ़ सफाई करने के लिए आ गई, क्योंकि बेडशीट वगैरह जितना भी था वो तो चेंज करना है, चेंज करके यूज़ करना है, क्योंकि घर 1 महीना तक मैं कैंप में नहीं थी, इसी वजह से कहीं पे भी सांप कीड़ा वगैरह आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और दीवार को देखे आप लोग गंदा कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि ये हम लोग जब आए थे ना क्वार्टर में तो एक बार पेंट किया था, लेकिन मेरे घर पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे आते रहते हैं, तो सब मिलकर ये कांड कर दिया। और अभी तो कुछ दिनों बाद मैं ये क्वार्टर छोड़ के जाने वाली हूँ, इसी वजह से मैं पेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन पेंट रखा हुआ है, अगर टाइम मिल जाएगा तो ज़रूर पेंट कर दूँगी। मेरे हस्बैंड सुबह ही मार्केट के लिए निकल गए थे, तो रूम का जितना भी काम था मुझे अकेला ही करना पड़ रहा था, इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हो गई थी। और अभी लगभग 1 बजने वाला है, मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे और मुझे नहाने भी जाना है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई, इसी वजह से मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। और घर का क्या क्या काम किया वो मैं दिखा देती हूँ। देखिए रूम तो लगभग रहने लायक हो गया है, कपड़ा भी धुल गया है,
और एक ट्रॉली मैंने पूरा खाली कर दिया, खाली करके एक ट्रॉली को धो दिया, लेकिन इधर लेफ्ट साइड में दूसरा ट्रॉली रखा हुआ है जिसमें कपड़ा रखा हुआ है, और बाहर बेडशीट, पिलो कवर, साथ में मच्छरदानी, केक का साइड मैंने क्लीन कर दिया, और किचन का सामान उल्टा बुलटा है लेकिन किचन भी क्लीन हो गया था। और ये देखिए बाहर मैंने बेलकनी वगैरह भी साफ हो गया और ट्रॉली धो के डाल भी दिया धूप में। और अभी मैं जहाँ जाऊँगी फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए जाऊँगी, और नहा के जस्ट मैं आ ही गई उतने में मेरे हस्बैंड भी पहुँच गया है घर पे। आयुष को नहला दिया, खाना भी खिला दिया, आयुष टीवी देख रहा है, ये देखिए कितना सारा कपड़ा फिर से निकल गया है। तो एक दिन में मैं एक बार ही कपड़ा वॉशिंग मशीन में डालती हूँ क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा झंझट होता है, पानी ख़त्म हो जाता है तो परेशानी झेलना पड़ता है। ये देखिए केक का सामान, बॉक्स वगैरह, और आयुष के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह भी लेके आए हैं, मैंगो भी लेके आए हैं मेरे हस्बैंड। तो अभी शाम के लगभग 6 बजने वाला है, मतलब 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। मैं नींद से उठ रही हूँ और पता है दोपहर को काम करके मैं इतना ज़्यादा थक गई कि मुझे खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो अभी 6 बजने 15 मिनट बाकी था, उतने टाइम पे मैं उठ के फ्रेश हो गई। देखिए लगभग 6 बज रहा है, इसी टाइम पे मैं खाना लेके बैठ गई हूँ एकदम बेकार सी टाइम में, लेकिन क्या करे अभी उस टाइम पर मन नहीं कर रहा था। उसके बाद ये जो साड़ी देख रहे हैं ना, ये साड़ी मैं बंगाल से लाई हूँ, बंगाल के बनारसी साड़ी, और ये मतलब आयुष का जो दोस्त है, दोस्त की मम्मी ने मंगवाया था मेरे से, और ये वाला कटोरी मिठाई उनके लिए था, और उनको पहुँचा के आ गई उतने में आयुष और आयुष के दोस्त मिल मेल बैठ के पढ़ाई कर रहा था, उतने में आ गया था मेरा खुद का साड़ी जो मैंने स्पेशली केरला से मंगवाया है। हमारे बिल्डिंग में केरल की दीदी है, अच्छी दोस्त भी है, उनसे मैंने ये साड़ी मंगवाया जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ऑनलाइन में भी मिल जाते हैं ऐसे साड़ी, लेकिन उसी जगह से, उसी केरला से लाने का, मतलब लाया हुआ साड़ी पहनने का मजा ही कुछ अलग है। तो देखते हैं ये साड़ी मैं कब पहनती हूँ। तो मुझे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।